हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पनीर की सब्ज़ी तो आप सभी ने कई तरह के बनाकर खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हम लेंगे पनीर। पनीर हमने ले लिया है, अब हम इसे इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और ये देखिए, थोड़ा सा हमने मोटाई साइज में हमने कट कर लिया है। अब हम लेंगे प्याज और शिमला मिर्च, जिसे हमने इस तरीके से इसे भी हमने थोड़ा मोटे साइज में हमने कट कर लिया है शिमला मिर्च को, और प्याज को भी हमने थोड़ा सा मोटा साइज में हमने कट कर लिया है। अब हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले शिमला मिर्च। सभी शिमला मिर्च को इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसे भून लेते हैं शिमला मिर्च को, ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 2 मिनट इसे भूनेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमने भून लिया है, ज़्यादा नहीं भुना है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज और शिमला मिर्च हमारे भुन गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। अब हम सेम कढ़ाई लेंगे, इसमें देखिए थोड़ा सा ऑयल जो है बचा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। देखिए 3 मैंने लाल मिर्च लिए हैं, इन्हें हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम हल्का सा भून लेंगे जब तक ये कुरकुरे ना हो जाएं। और ये जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके बाद जब ये ठंडा होंगे तो ये अपने आप ही कुरकुरे हो जाएंगे। और देखिए हमारा जो लाल मिर्च है वो भुन गया है अच्छे से, और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं किसी बॉल में। अब हम सेम ही कढ़ाई रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बटर। बटर हम डालेंगे इसके अंदर, बटर का 1 पीस डाल देंगे। और इसी में हम थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। बटर और ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे और इसमें हम डालेंगे मिर्ची। 2 हमने हरी मिर्च लिया है, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को हम भून लेते हैं। अब इसी के अंदर हम डालेंगे कुटा हुआ हरा धनिया, यह हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन इसके अंदर डाल देंगे, जिससे हमारा कढ़ाई पनीर का जो टेस्ट है और खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से हम इसके अंदर डाल के इसे भी हम भून लेते हैं। सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ये बिल्कुल बारीक है जिसे हमने कट कर लिया है। अब हम इसे भून लेंगे। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और थोड़ा सा बाद में हम फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, प्याज हमारा हल्का सा भून गया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच, और 1 चम्मच और डालेंगे। अब हम लहसुन और प्याज को अच्छे से इसके अंदर प्याज के साथ में हम चलाते हुए हम भून लेंगे। हमारा लहसुन, प्याज, अदरक, ये तीनों चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें बिल्कुल कच्चापन नहीं होना चाहिए। प्याज, लहसुन, अदरक को हमने अच्छे से भून लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही चबुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसिक मसाले। मिर्ची पाउडर डालेंगे इसके अंदर, हमने इसमें 2 चम्मच डाला है मिर्ची पाउडर। अब हम 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, 1 चम्मच डाल दिया, 1 चम्मच और डालेंगे इसके अंदर। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीबन जीरा पाउडर और इसे भी हम इसी के साथ भून लेंगे। मसाले जब हम डालेंगे तो गैस के फ्लेम को कम कर देंगे बिल्कुल। मसाले हमारे भून गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे
बारीक कटा हुआ दो टमाटर डालेंगे मीडियम साइज के, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक हम भुनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमेटो प्यूरी, वो भी हमने लिया है 2 टमाटर, और इसे इसका हमने प्यूरी हमने तैयार कर लिया है। और देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब हम उसे भी इसके अंदर डाल देते हैं। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम टमाटर जो हमने पीस रखा है उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमने डाल दिया है, अब हम इसे चला लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी हम डालेंगे 2 चम्मच डालेंगे छोटे मीडियम साइज के चम्मच से, और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करते हुए हम मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं, और ये देखिए इसका जो ऑयल है वो भी देखिए बिल्कुल हमें नज़र आने लग गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने भुन के रख रखे हैं प्याज और शिमला मिर्च, इसे हम इस मसालों के अंदर डाल देते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने पनीर कट करके रख रखे हैं उसे भी हम इसके अंदर डाल देते हैं, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चला लेंगे। पनीर, शिमला मिर्च और जो प्याज है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए मसाले को हम 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से हमने भून लिया है, देखिए फ्रेंड्स, और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, पानी हम थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे, आधा गिलास के करीबन पानी डालेंगे। और अगर हमें थोड़ा ज़्यादा ठीक लगे तो थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर और इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। पानी थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, क्योंकि कढ़ाई पनीर बिना क्रीम के तो बन ही नहीं सकता, इसलिए हम डालेंगे इसके अंदर क्रीम और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, और इसका कलर हम देखेंगे ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा जैसे ही हम इसके अंदर क्रीम डालेंगे। क्रीम को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला हम डालेंगे 1 चम्मच, और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो रख रखा है, जो हमने स्टार्टिंग में जो 3 मिर्ची जो हम भून के रख रखे थे, अब हम उस मिर्ची को बिल्कुल बारीक कर लेंगे, यानी कि इसे तोड़ लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से टूट जाएगा, इस तरीके से बारीक हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर से हम इसे डाल देंगे। इसका कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा फ्रेंड्स, आप सभी ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। अब हम कढ़ाई के ऊपर हम केप लगा देते हैं, और इसे हम ढक कर 4 से 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से बनने देते हैं। और ये देखिए 4 मिनट हो गया है, हम इसे चेक कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो कढ़ाई पनीर का जो कलर है वो बिल्कुल भी चेंज हो जाएगा, जैसा कि उस टाइम में लाइट हो गया था अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया के पत्ते, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं धनिया के पत्ते को कढ़ाई पनीर में। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और इस स्टेज पर हम फिर से हम कैप लगा देते हैं, और इसे हम ऐसे ही 3 से 4 मिनट तक हम छोड़ देंगे। और इसके बाद हम इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा 3 से 4 मिनट बाद इस तरीके से हमारा जो है कढ़ाई पनीर बनकर हमारा तैयार हो गया है, और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई पनीर को हम पुलाव के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।